ठंड को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग हॉल में रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल की व्यवस्था है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से देखें तो स्लीपर क्लास के लिए अलग, DC क्लास के लिए अलग और जनरल क्लास के लिए जो पैसेंजर हैं उनके लिए बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ जहां सेकंड एंट्री से लोग आते हैं उनके लिए ऊपर में हैंगिंग वेटिंग हॉल बने हुए हैं। जो यात्री आते हैं उनके लिए एरिया बिल्कुल क्लोज रखा गया है, जिससे वहाँ हवा ना पास हो, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और वो सही से ट्रेन का इंतज़ार कर पाएँ। आगे उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों से मेरी अपील है कि वेटिंग हॉल का उपयोग करें, जो कि उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर ठंड ना लगे और उनका ठंड से बचाव हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, खुले चल रहा है ना, घर पे है क्या? मेरा नाम ध्रुव नारायण पाठकपुर ग्राम पाठक है। चार दिनों से ठंड काफी बढ़ गई, किसी का समस्या है? ठंड बढ़ गई समस्या है तो सबके लिए जो है यहाँ पर है, जैसे सभी लोग एक समान, जैसे मतलब आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ स्टेशन पे जो है बहुत सारे गरीब लोग भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है और यहाँ पर स्टेशन पर जो उनको ट्रेन पकड़ना रहता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बाहर ऐसे परिवार के लोग भी हैं कि जिनके पास खाने का भी जो है स्रोत नहीं है और उनके पास जो अपनी आर्थिक स्थिति चलाने का भी स्रोत नहीं है, मकान भी नहीं है, वह ठंडक में पेड़ के नीचे बैठ कर जो है अपने जीवन को काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बच्चा यहाँ पर एक्सपायर भी कर गया था। तो मैं यहाँ से रेलवे प्रशासन से या नगर आयुक्त से या तो फिर जो है नगर निगम से चाहता हूँ कि कम से कम गेट जो हमारा है 4 नंबर 5 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, कम से कम यहाँ अलाव का लकड़ी का व्यवस्था तो कर सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं कम से कम उनको तापने की दिक्कत ना हो। पहली समस्या यह है कि यहाँ पर तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है अलाव की व्यवस्था की जाए। जो दूसरा चीज़ है, अगर गवर्नमेंट के पास या नगर निगम के पास कुछ कंबल है तो कंबल यहाँ पर वितरित कर दें लोगों के पास, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके पास कंबल आ जाए। जो है ये मूल समस्याएं हैं, इसको अगर तत्काल प्रभाव आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये बात ऊपर तक जा रही है और जो लोग सुन रहे हैं तो तत्काल इस हमारी मांगों को पूरा करें और अलाव और कंबल यहाँ पर व्यवस्था भी करें। सतीश चंदूजा, भारतीय किसान मंडल अध्यक्ष, गोरखपुर मंडल। लगातार 3-4 दिनों से ठंड काफी बढ़ गई है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे नगर निगम के द्वारा एकदम बिल्कुल लापरवाही की गई है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इस तरह से ऐसे गरीब हैं जो कड़ाके के ठंड से उनकी स्थिति एकदम डमाडोल होती जा रही है दिन प्रतिदिन। कुछ ऐसे हैं जो भूले भटके हुए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गेट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जितने भी गेट है, हर गेट पे एक अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाना चाहिए। नगर आयुक्त जो यहाँ के बैठे हुए हैं गोरखपुर के, उनके द्वारा कोई व्यवस्था यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कड़ाके के से लोग ठिठुर रहे हैं, परेशान है। कंबल की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कड़ाके के ठंड में जो आज स्थिति है, एकदम टेम्परेचर इतना डाउन हो गया है कि यहाँ पे कैंप लगा के रेलवे स्टेशन पे लोग दूर से आते हैं, लोग दूर से जाते हैं।
पड़ोस में आपका नेपाल है, नेपाल से लोग आते हैं, मान लीजिए सुबह उनको ट्रेन पकड़ना, रात भर गुजर करना है तो किस तरह से गुजर करेंगे? अलाव की व्यवस्था होती तो उसके आड़ में रहते, आराम से वहाँ पे गर्मी उनको महसूस होती। एक यहाँ पे टेंट लगा होता है, यहाँ पे कंबल की व्यवस्था होती तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होता। और ये जितने भी सार्वजनिक जगह है, प्लेस है, उन सब जगहों पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई नगर आयुक्त के द्वारा। ये हमारी मांग है, नगर आयुक्त इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा दे। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मीटिंग हॉल की व्यवस्था है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से देखें तो स्लीपर क्लास के लिए, एसी क्लास के लिए अलग अलग मीटिंग हॉल्स बने हुए हैं। और एक जो जनरल क्लास के पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़े साइज का हॉल बना हुआ है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 9 साइड में जहाँ से सेकेंड एनटीसी लोग आते हैं उनके लिए जो है ऊपर में हैंगिंग वेटिंग हॉल्स बने हुए हैं। जो रेल यात्री आते हैं उनके वेटिंग के लिए ये जो एरिया है ये रखा गया है, क्लोज्ड एरिया है पूरी तरह से, या टाइट है जहाँ पे हवा कहीं से ना पास हो, हवा ना आए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का भी अनकम्फर्ट ना फील हो और वो सही प्रकार से ट्रेन का वेट कर पाए। तो जो भी बोनाफाइड यात्री हैं उन सभी से अपील है कि ठंड में बाहर स्टेशन प्रेमिसेस में बैठने के बजाय वेटिंग हॉल का उपयोग करें। सर, बदलते मौसम को देखते हुए गाड़ियों को कैंसिल भी किया जाएगा? नहीं, गाड़ियों का कैंसिलेशन शुरुआत में किया गया था, जो हर बार विंटर के टाइम में हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं कि जो लो ऑक्यूपेंसी की गाड़ियां होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, जिससे कि लाइन क्षमता पे फर्क ना पड़े और जो रेगुलर हमारी ट्रेनें हैं वो हम प्रॉपरली चला सकें, या जिन रूट पे ट्रेनों की डिमांड है उन रूट पे ट्रेनें चला सकें। जो भी हमारी लॉन्ग रूट की स्पेशल ट्रेनें चल रही थी उनको भी हमने एक्सटेंड किया है, और जो रेगुलर ट्रेनें हमारी लॉन्ग रूट की हैं वो सभी चल रही हैं। और पंक्चुअलिटी भी पिछले विंटर्स की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई है। आज के समय में 80% के अराउंड पंक्चुअलिटी चल रही है, ट्रेनें उस प्रकार से लेट नहीं हो रही हैं जैसा पहले होती थी। कुछ कोहरे के टाइम में स्पीड जरूर घट जाती है क्योंकि कोहरे के मौसम में सिग्नल दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फॉग शेप डिवाइसेस लगाई हैं ट्रेनों में, उससे रिलायबिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से पंक्चुअलिटी पिछले समय की तुलना में देखा जाए तो बेहतर हुई है।